सब्सक्राइब कीजिए संस्कृत दर्शन चैनल को और नोटिफिकेशन घंटी को दबाएं, जिससे संस्कृत से संबंधित वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त हों। सभी का स्वागत है। और संस्कृत में हम कारक प्रकरण का अध्ययन कर रहे हैं। कारक प्रकरण में चतुर्थी विभक्ति है। चतुर्थी विभक्ति में उपपद विभक्तियों के बारे में हम जान रहे हैं। आज हम उपपद विभक्तियों के बारे में और थोड़ा सा जानेंगे। उपपद विभक्ति, ठीक है, ये किसके अंतर्गत है? चतुर्थी ठीक है। इनके बारे में मैंने पहले बताया है। उपपद मतलब शब्द, ऐसे शब्द जिनके आने मात्र से उनके साथ लगने वाले जो भी शब्द हों उनसे वो विभक्ति हो जाती हैं, जिनके साथ जैसे द्वितीया में अगर प्रयोग किए जाए कुछ शब्द तो द्वितीया विभक्ति का प्रयोग कर लिया जाएगा, और चतुर्थी चल रही है तो चतुर्थी का प्रयोग कर लिया जाएगा। सूत्र लेंगे हम फिर आगे थोड़ा सा विस्तृत में देखेंगे। सूत्र है उत्पातेन, उत्पातेन ज्ञापिते चा, ठीक है। अब उत्पातेन ज्ञापिते चा को थोड़ी सी बात समझना, क्योंकि ये उलझाव वाला है, इसमें समझ में नहीं आती बातें हैं कि उत्पात उत्पातेन है। उत्पातेन मतलब उत्पाद, देख लीजिए इसका मतलब होता प्रकृति विकार, प्रकृति विकार। और ये ज्ञापते मतलब सूचक। प्रकृति विकार जो है वो जो सूचक है। अब यहां इस सूत्र से ये वार्तिक है, याद रखना इसको, ठीक है, ये वार्तिक है। इससे ये दिमाग में भ्रम हो जाता है कि जो प्रकृति के विकार हैं, जो सूचक हैं, उनसे ही चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग कर लिया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। प्रकृति के विकार के जो सूचक हैं और उनके बाद जो फल की उत्पत्ति होती है, अर्थात इसका मतलब है यहां सूचना तो किसी से मिलेगी लेकिन जो फल के रूप में जो प्रकृति का विकार जो होगा मिलेगा हमें, फल के रूप में जो प्रकृति का विकार मिलेगा वो इसमें चतुर्थी विभक्ति के अंतर्गत आएगा। विकार तो दोनों होंगे लेकिन परिणति जो मुख्य रूप से होगी वो उसमें विकार के अंतर्गत आती है, ठीक है। मैं इसका एक उदाहरण दूं, वाताय कपिला विद्युत, ठीक है ना। अब जो वाताय कपिला विद्युत, भूरे रंग की बिजली, भूरे रंग की बिजली, भूरे रंग की जो बिजली है वो क्या है? वो प्रकृति का विकार है। बिजली जैसी होती है उसका जो स्वभाव होता है सफेद रंग का, ऐसा ना हो करके उसने अपने स्वभाव को बदला है तो कैसा भूरे रंग उसमें हो गया है। तो भूरे रंग में जब बदलेगा तो ये प्रकृति का क्या हो गया? विकार हो गया, सूचक हो गया, लेकिन ये इसका फल नहीं है। वो क्या कह रहा है कि भूरे रंग की बिजली वाताय आंधी की सूचक होती है, तो क्या हो गया ये वाताय, फल क्या हुआ? आंधी, ठीक है। वाताय कपिला विद्युत, भूरे रंग की बिजली आंधी की सूचक, अर्थात आंधी की सूचना देती है। क्या देती है? भूरे रंग की बिजली। तो ये इसका, यहां थोड़ा सा फिर एक बार और बताऊं, उत्पातेन ज्ञापिते चा वार्तिक है। वो कहता है कि प्रकृति का जो विकार है, जो सूचक है, विकार का जो सूचक है उससे जो फल होता है, अर्थात उसके बाद में जो प्रकृति की लास्ट स्थिति होती है, अंतिम अवस्था जो होती है, आप ये मान के चलिए उससे चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो जो वाता है, जो आंधी है, वो इसकी सूचना तो दे रही है भूरी विद्युत, ठीक है, कपिला विद्युत सूचना दे रही है, लेकिन किसकी? आंधी की। आसमान में भूरे रंग की बिजली चमकी तो लोगों ने अनुमान लगा लिया कि आज आंधी आने वाली है, तो
तो फल हमारा क्या हो गया, आंधी। तो आंधी से चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग कर लिया जाएगा। उम्मीद है आपको थोड़ी सी बातें साफ हुई होंगी। इसमें कोई ज्यादा उदाहरण नहीं है, क्योंकि प्रकृति के विकार कितने हैं, सूचक कौन है, सूचक इसमें विद्युत को ही मुख्य रूप से माना गया है, और भी बहुत सारे हो सकते हैं। तो इसके वार्तिक के अंतर्गत जो आता है वो प्रकृति के विकार ही आते हैं। मैं इसका एक श्लोक सा है उसको बताने का प्रयास करूंगा आपको, फिर बातें साफ और हो जाएंगी अच्छे से। वाताय कपिला विद्युत आतपाय अतिलोहिनी, ठीक है, वाताय कपिला विद्युत आतपाय अतिलोहिनी पीता वर्षाय विज्ञया, पीता वर्षाय विज्ञया दुर्भिक्षाय सिता भवेत, सिता भवेत। ठीक है, बात है, उम्मीद है ही थोड़ी सी बात समझ में आ रही होंगी। अब देखिए मैं आपको बताता चलूंगा। ये तो मैंने बता दिया, कपिला विद्युत किसके लिए, आंधी की सूचक होती है, आतपाय अति लोहिनी, अति लाल जो बिजली है वो किसकी सूचक है, वो तीव्र धूप की सूचक है। जब लोहिनी बिजली ज्यादा लाल रंग की जो बिजली है वो अगर आसमान में दिखाई पड़े तो ये माना जाता है कि अब गर्मी पड़ेगी, अर्थात सूर्य अधिक तपेगा। पीता वर्षाय, पीले रंग की जो बिजली है वो वर्षा की सूचक है। जब रात शाम के टाइम में या बरसात के समय में जब पीला रंग आसमान में दिखाई देता है तो जो हमारे बुजुर्ग हैं वो भी बताते हैं, इसको बोलते हैं दिन का फूलना, इस तरह से बोलते हैं कुछ। तो वहां पीले रंग की जो बिजली है वो किसकी सूचक है, वर्षा की। तो ये फल क्या है इसमें, वर्षा, इसमें आंधी फल हो गया और इसमें आतप फल हो गया। ठीक है, अब आती है दुर्विक्षाय सिता भवेत, अर्थात जो सफेद रंग की बिजली है वो दुर्विक्ष का अर्थात जो अकाल होता है उसकी ये सूचक है। तो फल क्या हो गया, अकाल हो गया। तो याद रखना, प्रकृति विकार जो सूचक हैं, प्रकृति के विकार की जो सूचक हैं, उनसे जो अंतिम अवस्था होती है, फल की जो अवस्था होती है, उससे चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। इसमें और अधिक उदाहरण नहीं है, केवल इतना ही समझना है इसको। इसी में से एक दो उदाहरण आ जाता है, ये कभी कभी दे देता है कि वाताय कपिला विद्युत, इस तरह से अगर प्रश्न पूछ लिया जाए तो किस सूत्र से है, तो याद रखना उत्पाते ज्ञापिते चा, बस ये चारों उदाहरण है। जब भी प्रकृति में विकार के द्वारा कोई भी चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा तो ये मान के चलिए आप इसके द्वारा ही ये प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, एक सूत्र के बारे में हमने जाना, दूसरा सूत्र है नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा, नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम ओषड योगाच। नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम वषड योगाच, ये सूत्र है, इसको मैं व्याख्या करूंगा अभी। चलिए इसके देख लेते हैं क्रम से, नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम वशट। ठीक है, इनके योग में, युवाच का मतलब इनके योग में, जब भी ये आ जाएं, ये शब्द कौन कौन से एक बार समझ लो, पद व्यक्ति में बताई है, इन शब्दों का जब भी प्रयोग किया जाए तो बाद बाकी जो भी शब्द बचेंगे इनको छोड़ करके उनमें समय चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग कर लिया जाएगा। इनका अर्थ देख लेते हैं, नमः का मतलब है नमस्कार, स्वस्ति का मतलब है
कल्याण, स्वाहा का मतलब है देवताओं के लिए हवि, स्वधा का मतलब है पितरों के लिए स्वधा, इसको स्वधा ही बोला जाता है ना, या इसको मान लीजिए अन्न। अलम का मतलब है समर्थ और वशट यही है, ठीक है ना, वशट का मतलब देवताओं के लिए हवि, इसमें कोई अंतर नहीं है, ये यही जो की तो है, इसमें लिखना ही रहा हूं। अब इनको मैं उदाहरण से समझाऊंगा, ये जो दे रखे हैं नमः, स्वस्ति, स्वाहा, स्वधा, अलम, वशट, योगाच, इन शब्दों के योग में हमेशा चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। इनमें देखिए जो प्रतियोगिता परीक्षाएं होती है उनमें मुख्य रूप से नमः आता है और अलम आता है। नमः तो ये मानिए कि लगभग परीक्षाओं में रहता ही रहता है, प्रतियोगी परीक्षाओं में रहता ही रहता है कि नमः के योग में कौन सी विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। तो याद रखना नमः के योग में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो मैं इसके एक एक उदाहरण देता हूं आपके लिए, है ना। हरि के लिए नमस्कार, एक बार और थोड़ा सा बताता चलूं, नमः नमस्कार, स्वस्ति कल्याण के अर्थ में आता है, स्वाहा देवताओं के लिए हवि, देवताओं के लिए जो हवि दी जाती है वो यज्ञ के माध्यम से, हवन के माध्यम से उसको में जो चढ़ाई जाती है सामग्री उसको हवि बोला गया है। और ये वशट, वशट है वो भी उसी के रूप में ही प्रयोग की जाती है। स्वधा पितरों के लिए स्वधा या अन्न, जो श्राद्ध प्रक्रिया होती है, जो हमारे पूर्वज हैं वो उनका जब श्राद्ध किया जाता है श्राद्ध पक्ष में, तो कौओं के लिए जो अन्न दिया जाता है तो उसको स्वधा बोला गया है, ठीक है। तो यहां है हरि के लिए नमस्कार, तो नमस्कार में पहले लगा दीजिए, नमस्कार की हमने क्या देखा है नमः है, ठीक है। अब जो भी शब्द बचा, मैंने बताया था जो भी शब्द बचा उसमें चतुर्थी का प्रयोग कर दिया जाएगा, तो हरि का चतुर्थी का प्रयोग होता हरि, इस तरह से इसको प्रयोग कर लिया जाएगा। हरि के लिए नमस्कार, हरे नमः, बस इतनी सी बात है इसमें, और कुछ भी नहीं याद रखना है। चलिए इसको हम और उदाहरण देखते हैं, दूसरा उदाहरण है सब प्रजाओं का कल्याण होवे, ठीक है। एक की और बताता चलूं मैं यहां, ये जो शब्द हैं सब वो अव्यय हैं, ठीक है, इनको याद रखना। तो जो कल्याण शब्द है इसके लिए क्या प्रयोग किया जाएगा, स्वस्ति, तो यहां मैं स्वस्ति लिख दूं पहले, ये सिर्फ मैं इसलिए लिख रहा हूं कि आपको बात साफ होती चली जाए। अब हमने स्वस्ति लिख लिया, जो भी यहां शब्द बचेंगे उनमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग कर लिया जाएगा, तो सब चतुर्थी होगी, सर्वाभ्यः प्रजाभ्यः स्वस्ति। अब होवे की जो संस्कृत है इसको आप प्रयोग करें या ना करें इसमें कोई भी समस्या नहीं है, प्रयोग करेंगे तो हो जाएगी भवतु हो, तो सर्वाभ्यः प्रजाभ्यः स्वस्ति। स्वस्ति ध्यान रखना, एक शब्द मात्र से जो भी फिर वाक्य में शब्द बचेंगे उन सबसे चतुर्थी का प्रयोग कर लिया जाएगा। उम्मीद है थोड़ी सी बातें साफ हो रही होंगी, इसमें कुछ ज्यादा समझाने के लिए नहीं है, आप बस ये मान के चलिए कि जब भी इनका योग आ जाए तो चतुर्थी का ही प्रयोग कर लिया जाता है। मैं इसके क्रम से उदाहरण देता चलूंगा आपके लिए, मित्र और वरुण के लिए
स्वाहा। अब हमारे पास ये स्वाहा वाला है, ये दोनों देवता हैं, ऋग्वैदिक देवता माने जाते हैं और अब तो देवता है ही ये, इनको हमेशा युगल में ही, इनको जब भी ऋग्वेद का अध्ययन करेंगे तो ये युगल में ही प्राप्त होते हैं, अर्थात ये जोड़े के साथ ही मिलते हैं, इसलिए यहां पर भी इनका दोनों एक साथ प्रयोग किया गया, तो यहां स्वाहा लगा लीजिए इसको। अब हमारे पास ये दोनों बचे, इनसे चतुर्थी का प्रयोग कर लिया जाएगा, शब्द जो भी बचे हैं उनसे चतुर्थी लगा दीजिए सीधे, तो क्या बन जाएगा, मित्रा वरुणा भ्याम स्वाहा, बस इतनी सी प्रयोग किया जाएगा इसमें, ए चतुर्थी ये शब्द जो दे रखा है, शब्द चतुर्थी बस इतना शरीर में प्रयोग करना पड़ेगा। उदाहरण मोहन इन पहलवानों के लिए पर्याप्त है, आप देखो थोड़ा सा पर्याप्त है, समर्थ है, एक ही चीज है, तो यहां हम लगा लें इसको अलम, है ना। अब हमारे पास बच्चे कौन कौन, ये बच्चे और ये, अब मोहन किसके लिए पर्याप्त है, पहलवानों के लिए पर्याप्त है, जिसके लिए पर्याप्त हो समर्थ हो इसके लिए अलम भी प्रयोग कर सकते हैं और प्रभु भी प्रयोग किया जाता है, तो मोहन तो यह करता है, मोहन पर्याप्त है इनके लिए, तो इनमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा, तो इसको जो कि तो लिख देंगे हम, तो करता है ये मोहना एभ्यः मल्लेभ्यः, ठीक है ना, अलमस्ति, इस तरह से ये प्रयोग किया जाएगा, इसमें चतुर्थी का प्रयोग कर लिया गया है अलम के योग में। चलिए अगला देखते हैं उदाहरण, ये उदाहरण मैंने छोड़ दिया था, इसको देख लेते हैं, दादा और दादी के लिए स्वधा, है ना। अब यहां जो स्वधा है, हमारे पास ये शब्द मौजूद है, तो मैं यहां स्वधा लिख लूं पहले, ठीक है, क्योंकि हमारे पास ये स्वधा है, पितर है ये, कोई व्यक्ति है जो अपने दादा दादी के लिए श्राद्ध पक्ष में उनके लिए अन्न दान कर रहा है, अन्न दे रहा है, तो यहां जो भी शब्द बच गए उनसे सीधे चतुर्थी का प्रयोग हो जाएगा, क्या बनेगा, पिता महाय महाय माता मयैच्चा, स्वधा हमने पहले से लिख लिया है, एक शब्द लिख लिया, उपपद विभक्ति में यही खास बात है, एक शब्द हमको पता है, बाद बाकी जो भी जिस विभक्ति में उपपद विभक्ति प्रयोग की जा रही है उसका प्रयोग कर लिया जाता है। आगे देखते हैं एक और उदाहरण, अग्नि के लिए वशट, अब यहां अग्नि के लिए वशट, वशट तो हमारे पास पहले से ही है, तो शब्द लिख देंगे, बात बाकी जो भी बचेगा, अग्नि शब्द बचा, इसमें चतुर्थी का प्रयोग कर लिया जाएगा, अग्नये वशट, इस तरह से ये उपपद विभक्ति बहुत ही सरल है, बस इन शब्दों को याद रखना है, इन शब्दों के साथ में चतुर्थी का प्रयोग किया जाता है। उम्मीद है आपको ये दो सूत्र समझाए थे मैंने आज, दोनों सूत्र अच्छे से समझ में आ गए होंगे। आज के लिए इतना ही, नमस्कार, जय हिंद।